सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है दशहरे वाला दिन, तो सबसे पहले हैप्पी दशहरा आप सबको। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आपका जो पूरा साल है, आगे का जो आने वाला वक्त है, बहुत अच्छा जाए, खुशियों भरा रहे। तो त्योहारों का मौसम स्टार्ट हो चुका है। अब नवरात्रि अभी ख़त्म हुई है कल ही, और आज है दशहरा। कुछ टाइम में करवा चौथ आ जाएगी, फिर दिवाली का टाइम है। तो आज दशहरा है, तो हम लोग भी आज निकले हैं, निकल रहे हैं किसी काम से बाहर। तो देखते हैं कि रोड पे क्या हाल रहता है, कितना ट्रैफिक मिलता है। तो हमें कहीं बाहर जाना है, तो बस थोड़ी देर में हम निकल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं साथ में अपना ये व्लॉग भी स्टार्ट कर दूं और पूरे दिन की अपडेट आप लोगों को देती रहूं कि आज पूरे दिन क्या क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर लिख के जाए। मैंने बुक कर ली थी कैब, और अभी हम लोग कैब में बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग नई लोकेशन पे जा रहे हैं। तो नई लोकेशन पे जाने के लिए ना मैं हमेशा कैब प्रेफर करती हूँ, या अगर हस्बैंड के साथ गाड़ी में जाना है तो हम लोग मैप की हेल्प से जाते हैं। मेट्रो से जाना ना मुझे इतना फिजिबल नहीं लगता नई जगह पे, क्योंकि वहाँ पे जाके ढूंढना किसी का घर बहुत ही मुश्किल काम है। तो हम गए थे अपने किसी नोन के घर पे उनसे मिलने के लिए। वहाँ जाके हमने खाना वाना खाया, बैठे उनके साथ बात बात की, और उसके बाद फिर आते टाइम पे हम लोग आए मेट्रो से। मेट्रो से क्यों आए? क्योंकि दशहरे का दिन है, शाम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है रोड पे। तो मैंने सोचा आप कैब से नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे सीधा मेट्रो से। तो मेट्रो में ये बहुत ही सुंदर सुंदर से नज़ारे दिख रहे हैं। अभी हम लोग पिंक लाइन वाली मेट्रो में है, और ये देखिए ये पूरा धौला कुआं और साउथ कैंपस वाला एरिया है, जो कि कैसा लग रहा है मेट्रो से ना, बहुत ही सुंदर सा व्यू लग रहा है। गाइस वेलकम बैक। तो मैं अभी घर आ चुकी हूँ और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ पालक वाली दाल। तो दाल को यहाँ पे मैंने सोक करके रख लिया था, पालक को चॉप करके रख लिया है, और फटाफट से सिंपल सा आज डिनर बनाते हैं। अभी रात के बजने वाले हैं 10:30। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत चिट चैट कर लूँ। तो आज था दशहरे वाला दिन और छुट्टी थी आज, और आज छुट्टी ख़त्म होती है और कल से फिर से ऑफिस शुरू हो जाएगा। तो मुझे ना आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है यूट्यूब का, जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि कब मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे हों और चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो जैसे ही वो पूरा हुआ मेरा चैनल, मतलब मैंने अपना अप्लाई कर दिया मोनेटाइजेशन के लिए, और मेरा मोनेटाइज भी हो गया। तो मोनेटाइजेशन के बाद क्या उम्मीद करते हैं हम कि हमारे पैसे आएंगे यूट्यूब से? हर कोई चाहता है ना कि मतलब अगर हम इस पे वीडियोस डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ हमें रिटर्न में मिलना चाहिए, कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, या यूट्यूब से पैसे आने चाहिए। तो मैंने भी कुछ ऐसी ही उम्मीद की थी कि जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब से। तो मेरे अच्छे खासे व्यूज़ बन चुके थे पुरानी वीडियोज़ पर। बट अब इसमें एक क्राइटेरिया क्या होता है, पैसे तो आपके बनते हैं, बट जब तक आपके 100 डॉलर नहीं पूरे होते हैं तब तक आपके पैसे अकाउंट में नहीं आते हैं। और जैसा कि मुझे समझ में आया अभी तक कि जो आपकी पुरानी वीडियोस हैं, जो उस पर व्यूज़ है, वो काउंट नहीं होते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। जो मोनेटाइजेशन के बाद आपके व्यूज़ आते हैं, सिर्फ वो काउंट होते हैं। तो अभी मेरे वो काउंटिंग चल रही है और व्यूज़ अभी मेरे इतने कुछ खास नहीं आ रहे हैं। कुछ पुरानी वीडियोस थे जिसपे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था मुझे। कुछ ऐसी ही है मोनेटाइजेशन की कहानी। कभी कभी तो मतलब डीमोटिवेट भी होते हैं हम, और बुरा भी लगता है कि यार मतलब इतना टाइम हो गया वीडियोज़ डालते डालते। अच्छी अच्छी वीडियोस भी डाली है मैंने, जो मैं खुद देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब ऐसा होता है ना, आप बाद में कुछ टाइम बाद आप देखते हो उन वीडियोस को, तो आपको अच्छा लगता है कि अच्छा हम यहाँ भी गए थे घूमने, इस दिन हमने ये किया था। तो एक मेमोरी के तौर पे यूट्यूब में हमारी जो जो भी वीडियोज़ हम शेयर करते हैं वो सेव होती जाती है, तो वो देख के अच्छा लगता है। और अगर आगे रिस्पांस आया तो होपफुली आगे मेरी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब से। जल्दी ही मुझे उस दिन का इंतज़ार है। बस ये मैं कहना चाहती हूँ कि
बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, इतना इजी नहीं है। और अपने आप को ना मोटिवेट करना पड़ता है। काफ़ी बार हो जाता है कि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, ऐसा लगता है नहीं अब आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी या वीडियोस नहीं बनाऊँगी, अच्छा नहीं लग रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। बट इन्हीं सब चीज़ों से तो निकलना है और पॉजिटिव रहना है। कभी ना कभी तो वो दिन आएगा ना कि जब हमारा भी यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल होगा और अर्निंग स्टार्ट होगी, लोग हमें जानेंगे। मतलब मुझे ना अर्निंग से ज़्यादा लगता है कि मतलब लोग मुझे जाने, मुझे मतलब पहचाने मेरे नाम से कि मैं कौन हूँ, और मैं आप लोगों से अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करूँ, आप लोग मुझे कमेंट करें ताकि हमारा इंट्रैक्शन बढ़ता रहे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। कुछ मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ अपनी ये बात शेयर करूं, बट हो नहीं पा रहा था। तो अभी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूं कि मोनेटाइजेशन के बाद मेरे कितने पैसे आए। तो अभी तक कुछ भी नहीं आया है, उस दिन का इंतज़ार रहेगा जिस दिन कुछ मतलब अगर थोड़ा भी अमाउंट आएगा ना, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा होगा, क्योंकि यूट्यूब जस्ट है मेरा शौक है। तो कोई बात नहीं, अगर अर्निंग नहीं भी होती है तो चलेगा, बट लोग मुझे जाने ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बस इतने इतनी सारी बातें हो गई आप लोगों के साथ। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड।